अशी कोठी आहे ज्याचा आम्ही मेकओव्हर करतोय. पेंटिंग सुरू आहे. मी पहिल्यांदा हा पेंट लावते ते ॲल्युमिनियम वर. मला माहिती नाही त्याचा एंड रिझल्ट कसा असेल. मी माझ्या नवऱ्याने मला आता शिकवलं की कसा हात फिरवायचा याच्यावर. अरे बाप रे, चुका करत होते. बरोबर आहे ना, जे बरोबर आहे ते बोलायला. अच्छा, ओके ओके. पण आता ते झालं, करेक्ट झालं आणि मला असं वाटतं आता बरं येत आहे ना. इम्प्रूव्हमेंट आहे पहिल्यापेक्षा. बाल्कनी इथे खूप कचरा आहे. आम्ही आता या बाल्कनीचं मेकओव्हर करणार आहे हळूहळू आमच्या पद्धतीने. त्यातलं हे पहिली स्टेप आहे ही पेंट करायची. मला वाटलं होतं हा सिल्वर चमकणारा असेल पण हा चमकत नाही आहे. कलर ड्राय होईल तेव्हा त्याला शाईन येईल थोडीशी. नाही शाईन पण थोडा डार्किश आहे. इट इज नॉट दॅट सिल्वर, व्हाईट सिल्वर टाईप. तो पूरा हमने हिंदी में नहीं बताया लोगों को. हम इसका मेकओवर कर रहे हैं. अच्छा. और पूरे बालकनी का मेकओवर करना है. अभी यहाँ पे बहुत क्लटर पड़ा है. ये जो है ये दिखा दीजिए, ये कचरा भी, कि ये कोविड कॉर्नर है फिलहाल. बाहर की और यहाँ पे ये ग्रीन कॉर्नर है. ये ग्रीन कॉर्नर है लेकिन इसको बहुत ब्यूटीफुल करना है क्योंकि हमारी बालकनी अच्छी खासी बड़ी है ना. बड़ी है और अच्छा उसका व्यू भी अच्छा है. हाँ, व्यू अच्छा है और इसलिए इसको अच्छा करना चाह रहे हैं. और ये है हमारा, ये स्टोरेज है एक्चुअली, जिसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं. बहुत सालों पहले इसमें गेहूं रखते थे तो अभी ये काम में नहीं आता है क्योंकि अभी तो आटा मिल जाता है रेडीमेड तो वो लाते हैं. तो इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है लेकिन इसका उपयोग हम इसके ऊपर हम फाउंटेन कचरा नहीं, सामान भरा हुआ है. सामान है वही है. कचरा नहीं, घर में कचरा थोड़ी रखते. अच्छा, कचरा नहीं बाबा, सामान रखते. आई डिसाइड, अगर कचरा है तो कल ढूंढ के निकाल के फेंक देना सामान. जो लगता है ना सालों से हम कुछ चीजें रखते हैं नहीं, वो भी व्हाट एवर इट इज, देन यू हैव टू टेक अ कॉल, देन यू कॉल इट अ क्लटर. सो रिमूव दैट क्लटर टुमारो. डीक्लटर करो. तो एक साइड हो गई है मेरी, सेकंड कोट मैंने दे दिया है इसे. अब मैं उस साइड में जाऊंगी. ठीक है.